हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ बहुत सारा टेक न्यूज, जैसे ओप्पो K10 प्रो फुल स्पेसिफिकेशन और व्हाट्सएप का न्यू फीचर और मोटोरोला G52 की फुल स्पेसिफिकेशन, और ऐसे ही बहुत सारी टेक न्यूज लेके आ गया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। आज की पहले न्यूज की शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप से। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में व्हाट्सएप पे बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड होने वाला है, और उसी में एक नए फीचर्स बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तों, आप लोग जो फेसबुक पे कवर फोटो का यूज करते हो, वही फीचर्स अब व्हाट्सएप पे भी ऐड होने वाला है। लेकिन ये अभी सिर्फ व्हाट्सएप बेटा मतलब व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूजर्स के लिए है, लेकिन ये फीचर्स भी व्हाट्सएप पे बहुत ही जल्द आने वाला है। अगला न्यूज आता है ओप्पो से। कुछ दिन पहले ओप्पो ने ओप्पो K10 को इंडिया में लॉन्च किया था, और अब इसका हाइयर वेरियंट इंडिया में आ रहा है। इसका नाम है ओप्पो K10 प्रो 5G, और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.62 इंच FHD प्लस OLED डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट, और कैमरा में आप लोगों को 50MP का सोनी IMX766 वाला मेन सेंसर मिलेगा। और इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आप लोगों को 16MP की सेल्फी मिलेगी। और बढ़ते हैं बैटरी पार्ट पे। दोस्तों, बैटरी इसमें बताया जा रहा है 5000mAh के साथ आप लोगों को 80W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा, जो 25 से 30 मिनट के अंदर फोन को फुल चार्ज कर देगा। और इस फोन की परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 888 होगा। इसका लॉन्च डेट तो अभी पता नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चले मैं आप लोगों को वीडियो में अपडेट कर दूंगा, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज आता है मोटोरोला से। दोस्तों, मोटोरोला G52 यूरोप में बहुत ही जल्द लॉन्च हो रहा है, और ये पॉसिबली इंडिया में भी आ सकता है। इसमें 6.6 इंच FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले विद 90Hz की रिफ्रेश रेट, और कैमरा में 50MP का मेन सेंसर के साथ 8 की अल्ट्रा वाइड और 2MP की मैक्रो होगा। और इस फोन की फ्रंट पे 16 की सेल्फी मिलेगी। और दोस्तों, बैटरी इसमें बताया जा रहा है 5000mAh के साथ 30W की चार्जिंग मिलेगी। और परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 680 की चिपसेट होगा, और ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ एंड्रॉइड 12 पे आएगा। अगला न्यूज आता है रियलमी से। दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने रियलमी GT Neo 3 की फुल स्पेसिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अब इसकी लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। ये फोन April 29 को इंडिया में लॉन्च होगा। और दोस्तों, रियलमी GT 2 सीरीज भी आ रहा है, और Xiaomi, रियलमी, सैमसंग साल में 15 से 20 स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, और इससे यूजर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं। और हम क्या करें, फोन लॉन्च हो रहा है तो हमें तो बताना ही पड़ेगा। आज की लास्ट न्यूज आता है सैमसंग से। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M53 इंडिया में बहुत ही ज्यादा लॉन्च होगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.7 इंच सुपर एमोलेड का पैनल होगा, और साथ में 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगी। और इस फोन के कैमरा में क्वाड सेटअप होने वाला है। 108MP की मेन सेंसर होगा, 8 की अल्ट्रा वाइड और 2MP की मैक्रो और 2MP की डेप्थ मिलेगा। और इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आप लोगों को 32MP की सेल्फी मिलेगी, और बैटरी 5000mAh के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग होने वाला है। और इस बार भी शायद बॉक्स में आप लोगों को चार्जर नहीं मिलेगा। और इस फोन की परफॉर्मेंस के लिए इसमें आप लोगों को Dimensity 900 की चिपसेट मिलेगी, और ये फोन OneUI के साथ Android 12 पे आएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम ऐसे ही वीडियोस लेके आएंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।